name is Yuresh Kavaya and I am from Nadiad, and I am pursuing JKTNA and also BCA from SP University, and today I am going to explain you graphic card. Graphic card is graphic card use hota hai image render ke liye, like कोई एप्लीकेशन है लाइक फोटोशॉप है या कोई हैवी गेम है उसे रेंडर करने के लिए या उसके जो ग्राफिक्स है वो रेंडर करने के लिए ग्राफिक कार्ड का यूज होता है. अगर ग्राफिक कार्ड यूज नहीं करते तो बहुत ही चौपी परफॉर्मेंस मिलेगा और कुछ रेंडर नहीं होगा, कलर्स भी नहीं दिखते, इसलिए ग्राफिक कार्ड का यूज होता है. और आज की डेट में दो बड़ी कंपनी है जो ग्राफिक कार्ड बनाते हैं पीसी के लिए, एक है AMD और एक है NVIDIA. और ग्राफिक का काम प्रोसेसर की तरह ही करता है, उसके अंदर कोर्स आते हैं और प्रोसेसर की तरह 8 या 16 कोर्स नहीं आते, इसमें 700 कोर्स, 800 कोर्स, 1000 कोर्स तक के भी ग्राफिक का आते हैं जो एक साथ काम करते हैं और इमेज को रेंडर करते हैं. लाइक AMD में जो कोर्स है उसे स्ट्रीम प्रोसेसर कहते हैं और NVIDIA का जो ग्राफिक कार्ड है उसे CUDA कोर्स कहते हैं. और ग्राफिक कार्ड का परफॉर्मेंस मेजर टेराफ्लॉप्स में होता है, जैसे कि प्रोसेसर का परफॉर्मेंस गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में मेजर होता है, वैसे ही ग्राफिक कार्ड का टेराफ्लॉप्स में मेजर होता है. तो आज हम देखते हैं टेराफ्लॉप्स कैसे मेजर होता है. टेराफ्लॉप्स का फॉर्मूला है कोर्स, स्ट्रीम कोर या CUDA कोर जो भी है, इंटू क्लॉक स्पीड ऑफ द ग्राफिक कार्ड इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन. सो यह पर एक एग्जाम्पल है NVIDIA GTX 1080 का, जिसमें 768 कोर्स है जो 833 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन. सो हमें ये वैल्यू मिलेगी 1.31 अराउंड टेराफ्लॉप्स, जो कि वो परफॉर्मेंस बताए. जितने ज्यादा टेराफ्लॉप्स होंगे उतना ज्यादा आपका ग्राफिक कार्ड पावरफुल होता है. लाइक एग्जांपल है AMD का है रेडियन वेगा, जो आज तक का सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड है, 56 टेराफ्लॉप्स हाफ प्रिसीजन में देता है. और ये इम्प्लीमेंट किया है एप्पल मैक प्रो ने, जो अभी दिसंबर में लॉन्च होगा, अभी अनाउंस हो गया है जून में, लेकिन लॉन्च होगा दिसंबर में. थैंक यू.